स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर फिफ्थ है आपकी बुक का। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स जो हैं सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस, उनके वीडियो मैं बना चुका हूं। प्लेलिस्ट है एक पूरी, सेट्स की प्लेलिस्ट है एक, और एक रिलेशंस एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट है। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन में, देख लीजिएगा। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, क्यों उनकी जरूरत पड़ी, वो डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, टेंथ क्लास में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो यूज करते थे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax square plus bx plus c equals to zero, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि ये था। इससे क्या मिलते थे हमें, रूट्स मिलते थे। जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, उसको हम क्या बोलते थे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे विद ए कंडीशन। क्या थी वो कंडीशन, ये थी वो कंडीशन, b square minus 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों यूज करते थे, देखिए उसका कारण था। एक तो इससे हमें पता चल जाता था कि रूट्स कैसे होंगे, दूसरा रूट्स होंगे या नहीं होंगे वो भी हमें पता चल जाता था, यानी कि सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का, जो गिवन जो भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी पता चल जाता था। कैसे, देखिए तीन ऑप्शन थे हमारे पास। फर्स्ट वन था, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते थे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता था। टू इक्वल रूट्स मिलते थे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता था। और थर्ड केस देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे आज के चैप्टर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। सो जब भी ऐसी कंडीशन आती थी टेंथ क्लास में, हम लिखते थे नो रियल रूट्स और वहीं छोड़ देते थे उसको। बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये चैप्टर है आपका 11th क्लास का, इसमें हम ऐसी इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे जिनमें b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। गॉट इट। अच्छा, वहां हम लिखते थे नो रियल रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ, रियल, रियल से मतलब था वहां रियल नंबर्स। ऐसा क्यों कहते थे वो मैं बताता हूं। देखिए, अगर सपोज आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन कोई नेगेटिव नंबर है, गॉट इट, या फिर आप इसी फॉर्म में देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है अपना रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आई कोई नेगेटिव वैल्यू, मान लीजिए माइनस सिक्स आ गई, ठीक, d इक्वल्स टू रूट माइनस सिक्स। क्या कोई ऐसा नंबर, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर मुझे नेगेटिव मिले? इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा मैं, डी स्क्वायर कर देता हूं, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स। डी कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। सो रियल नंबर का जो आपका सेट है कैपिटल आर से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आपके पास क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके? यानी वो नंबर मैं यहां डी की जगह पुट करूं, जैसे नंबर हम पुट करते हैं ना, जैसे 4 है, मान लीजिए 4 आया आपके पास, d स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आया, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, प्लस माइनस 2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है, यानी d की दो रियल वैल्यूज हो जाएंगी यहां पे, यानी कि d की वैल्यूज जो है वो रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। अब इस सिचुएशन पे आइए, यहां देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस सिक्स, सो डी की क्या कोई ऐसी वैल्यू, क्या कोई ऐसा रियल नंबर डी की जगह मैं पुट कर सकता हूं जिसका स्क्वायर मुझे माइनस सिक्स मिल जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है,
क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि रियल नंबर्स में आपको कैसे नंबर्स मिलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे आप पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, सो रियल नंबर के सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर मुझे नेगेटिव मिले, इसलिए हम कहते हैं नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, क्योंकि ये टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट में आती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसमें ये टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये रूट में आती है, और रूट में नेगेटिव वैल्यू आई तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं आपको अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे आते थे रूट्स? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए मैं वो भी लिख देता हूं, इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। तो पुट करते हैं, देखिए माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। 2 इंटू ए जो कि है 2। सो अब देखिए क्या सिचुएशन अराइज होती है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसको सोल्व कीजिए, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 24, यानी कि रूट माइनस 23। सो माइनस रूट माइनस 23 ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 4। अब ऐसी सिचुएशन आते ही जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने यहां क्या हो गया लेस देन 0, ऐसे सिचुएशंस आते ही हम लिख देते थे नो रियल रूट्स। ठीक है, क्यों लिख देते थे? क्योंकि देखिए रूट 4 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, क्या वैल्यूज आती हैं? माइनस 2 आएगी या प्लस 2 आएगी, यानी कि मेरे पास रूट 4 की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना जिनका स्क्वायर जो है वो 4 हो जाए। गॉट इट? ऐसे नंबर फाइंड आउट करना, एक मिले या दो मिले उससे मतलब नहीं है, कि रियल नंबर के सेट में से ऐसे नंबर फाइंड आउट करना जिनका स्क्वायर जो है वो 4 मिल जाए। ऐसा ही होता है ना, रूट 16 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ऐसे वो नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे मुझे 16 मिल जाए, है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 16 4 मिल जाएगा। सो रूट माइनस 23 की वैल्यू फाइंड आउट करने से मतलब क्या है कि ऐसा नंबर एक्स फाइंड आउट करना जिसका स्क्वायर करने से, एक्स का अगर स्क्वायर करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आए? माइनस 23। बट रियल नंबर के सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आए। ठीक है, सो इसलिए नो रियल रूट्स करके हम क्वेश्चन को छोड़ देते थे। बट अब हम इन इक्वेशंस को अनसोल्व नहीं छोड़ेंगे, इनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इनका सॉल्यूशन क्योंकि रियल नंबर के सेट में नहीं मिल रहा था, तो मैथमेटिशियंस ने जो नंबर सेट है अपना उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और ऐड कर दिया। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो इन्वेंशन है वो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ही हुआ है। वो कैसे सोल्व करते हैं वो अब देखते हैं। देखिए इसी एग्जांपल में ये जो सिचुएशन अराइज हुई, इसमें रूट्स आपके अल्फा और बीटा, उनकी वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 23 डिवाइडेड बाय 4। ओके, उन्होंने क्या कहा कि आप यू लिखें इसको प्लस माइनस रूट 23 जो है माइनस को अलग कर दें इससे आप। ठीक है, यानी कि
root minus 1 and root 23 divided by 4. ठीक, अब समस्या क्या दे रहा है, अंडर द रूट माइनस वन जो नेगेटिव वैल्यू है वो समस्या का कारण है। रूट 23 की वैल्यू तो आ जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है, 5 से थोड़ा कम आ जाएगी क्योंकि रूट 25 जो होता है वो प्लस माइनस 5 मिलता है हमें। सो रूट 23 प्लस माइनस 5 से कोई थोड़ी वैल्यू आ जाएगी, कोई छोटी वैल्यू आ जाएगी 4.7 या कुछ इस टाइप से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि रूट 23 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे डेफिनेटली, हमें आता है। समस्या क्या दे रहा है, समस्या ये दे रहा है माइनस 1 जो कि रूट में है, तो इसको उन्होंने नया नाम दिया क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा था रियल नंबर से, तो उन्होंने इसको नया नाम दिया, क्यों ना इसको आयोटा से रिप्रेजेंट कर दें। ये जो स्मॉल आई है ये लिख रहा हूं आई, और इसको पढ़ूंगा कैसे, आयोटा, ठीक, IOTA, आयोटा। तो मैथमेटिशियंस ने इसको रूट में माइनस वन को रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से, आयोटा से, ठीक है। और जो नंबर नए बने उनको नाम दिया उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और सिंबल दिया स्मॉल जेड, ठीक, और जर्नल फॉर्म उसकी क्या लिखी, ए प्लस आयोटा बी। देखिए इसी से रिजेंबल कर रही है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जिनमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन जीरो आ रहा था, रियल नंबर के सेट से उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो मैथमेटिशियंस ने नंबर्स के सेट को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ऐड कर दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखते हैं, जेड स्मॉल जेड वो सिंबल है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए प्लस आयोटा बी ऐसे वो लिखे जाते हैं। ये क्यों लिखे जाते हैं ऐसे, वो इस कारण क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो अपना इसी फॉर्म में आता है, और जो रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है वो सेकंड टर्म में आती है। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है, और उसको लिखा यूं जाता है रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, RE रियल के लिए यूज किया जाता है, और Z जो है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो रियल ऑफ Z इक्वल्स टू A इस केस में। अगर कोई जर्नल एग्जांपल लूं मैं, जर्नल कोई स्पेसिफिक एग्जांपल, सॉरी जर्नल तो मैंने ये लिख ही रखा है, स्पेसिफिक एग्जांपल मान लीजिए 3 प्लस आयोटा 2, ठीक है, सो रियल पार्ट जो है वो हो गया 3, और सेकंड जो है वो है इमेजिनरी पार्ट जिसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू बी जो कि इस पर्टिकुलर केस में क्या है 2। गॉट इट। अब ये वैल्यूज जो भी आएंगी हम वैसा ही लिखेंगे। जैसे देखिए अगर सिचुएशन यू होती है आपकी, जो जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका वो कुछ यू है -5 -3 आयोटा, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, आयोटा पहले लिखा या बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सो रियल ऑफ जेड जो है वो कैसे लिखेंगे आप, वो है 5, और इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो क्या है आपका -3, और ये नंबर जो है इसको प्योर फॉर्म में अगर लिखेंगे आप तो वो यूं लिखा जाएगा -5 प्लस आयोटा -3। तो ये ए पार्ट, ये बी, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको रीड आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। हालांकि ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट क्या है आपके, रियल नंबर्स हैं। Got it? उसको
इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आयोटा से मल्टीप्लाइड है और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसका इन्वेंशन इसलिए हुआ है कि वो रूट में जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको हटा सके, और आयोटा की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ माइनस वन। ये आयोटा इक्वल्स टू रूट माइनस वन है, अगर आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, यानी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, एक जेड वन है मान लीजिए ए प्लस आयोटा बी, और एक जेड टू है कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस आयोटा डी। जेड वन इक्वल टू जेड टू एक ही केस में होंगे, किस केस में, वेन ए इक्वल टू सी, यानी कि रियल पार्ट दोनों के सेम हो, और बी इक्वल टू डी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के सेम हो, तो इसी कंडीशन में ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल वन है आपकी बुक में गिवन है, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, ये मैं अलग से लिख लेता हूं, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y रियल नंबर्स हैं और उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये कोई दूसरा इक्वल्स टू में कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर होगा इस रियल पार्ट के, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि 4x इक्वल्स टू 3 होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या हैं, इक्वल होंगे। सो इनको कंपेयर करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3/4, और जब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3 × 3/4 माइनस y इक्वल टू माइनस 6, कैलकुलेट कीजिए इसको, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 9/4 माइनस y इक्वल टू माइनस 6, और थोड़ा ऊपर इधर कर देता हूं मैं, तो y इक्वल टू 9/4 प्लस 6, और इस वैल्यू को और सॉल्व कर दीजिए, 4 आ जाएगा ये, 9 + 24 यानी कि 33/4। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई 33/4 और x की वैल्यू आ गई 3/4। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।